टू माई चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ जो जो हमें यूट्यूब पे एड्स मिलते हैं ना, क्या क्या एड दिखने मिलता है। तो सबसे पहले एड मैंने जब मैं एक्चुअली इसी फोन से शूट कर रही हूँ तो मैंने ऑलरेडी स्क्रोल डाउन किया था और जो जो मुझे एड आया था ना वो सब मैंने चीजें मंगा चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्क्रोल डाउन क्या किया था और क्या आया था ये देखो साइड में। तो गाइस सबसे पहले मुझे ये आया था लिपस्टिक। सो बहुत जगह पे ना ये माई ग्लैम की लिपस्टिक आ रही थी, इंस्टाग्राम पे आ रही थी मुझे और इस पे यूट्यूब पे दोनों पे आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मंगा के देखते हैं। तो आ गई है मेरी माई ग्लैम की लिपस्टिक। इसके पहले भी मेरे पास ऑलरेडी 4-5 शेड थे तो ये भी मैंने मंगा लिया माई ग्लैम की लिपस्टिक। एक सेकेंड का मेरे साथ ही क्यों होता है। सो गाइस ये रही फर्स्ट। सो आप देख सकते हो माई ग्लैम की लिपस्टिक आई थी, बोला था 1 रुपया दोगे तो आपको ये लिपस्टिक मिलेगी। ये 1 रुपए की लिपस्टिक नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये है टोटल 198 या 1999, यहाँ पे लगा दूंगी मैं। सो एक लिपस्टिक मैंने दे दिया है कोमल को और एक रही ये लिपस्टिक। आई एम नॉट वेल कॉमेंट। तो ये है माई ग्लैम की श्रद्धा कपूर की लिपस्टिक गाइस। ये मुझे ना बहुत रिकमेंडेशन आ रहा था, बार बार एड पे आ रहा था। तो चलो इसको देखते हैं इसका ये। तो ये है लिपस्टिक गाइस। और वो क्यों कर रही हूँ मैं, ऑलरेडी इसके शेड्स में यूज कर चुकी हूँ और इसका शेड है यहाँ पे लगा दूंगी इसका शेड जो भी रहेगा। और इस एक्चुअली देखा जाए ना ये मैंने अपने लिप्स पे ना ये मैंने लगाया है और इसको मुझे लगा के ऑलरेडी 3-4 घंटा हो गया बट ये अभी तक निकला नहीं है। मैंने बनाना खाया, आज मेरा फास्ट है, मैंने बनाना खाया, मैंने आई थिंक चाय पिया बट नहीं निकला गाइस। देखो नहीं निकला है, कोई ऐड नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, मुझे कोई इसके पैसे नहीं मिले हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट आया है। तो ये देखो शेड, काफी प्यारा शेड है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। सो 199 में ये काफी अच्छा चीज मिला है तो अच्छा है ये। मतलब मैंने कुछ तरह क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लिपस्टिक थी मैक की बट लिक्विड में नहीं थी तो इट्स अ गुड परचेस। सो 10/10। सो गाइज नेक्स्ट मुझे आया था ये ट्रिप का जो अभी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मैं जरूर अफोर्ड करूंगी। तो पढ़ाई के लिए नहीं बट ट्रिप के लिए जाऊंगी, स्टडीज के लिए नहीं फॉर नाउ, इन द फ्यूचर मे बी बट अभी के लिए नहीं, स्टडीज के लिए अब्रॉड का। ये ना मुझे पता नहीं क्यों आता है, बिकॉज कि मैंने एक्चुअली एग्जाम दिए थे, मे बी डोलिंगो दिया था तो मे बी ऐसा होता है ना डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम कोई चीज नंबर वगैरह डाल दें ना तो हमें बार बार वो एड्स आते हैं। तो ये था मुझे एड आया था बट ठीक है, इट्स ओके आते रहते मुझे ऐसे, मैं कोई यूज टू हो गई हूँ। इनसाइड की लिपस्टिक काफी रीजनेबल और काफी अफोर्डेबल होती है और उसकी प्राइस भी काफी चीप होती है। तो ये रही इनसाइड की लिपस्टिक और दिस इज द पैकेजिंग गाइस। ये देखो पैकेजिंग वाइज तो बहुत हैंडी है, लाइक बैग बैग में इसको भर सकते हो। और इसकी शेड है 11 समथिंग, देखो शेड नंबर इज 11 गाइस। और ये कैमरा मेरा फोकस नहीं कर रहा है मेरी इंसल्ट करते हुए, बट ये रहा शेड, नीचे गिर गया। सो दिस इज, और ये काफी प्यारा शेड है। चलो इसके ऊपर मैं लगा के देखती हूँ, जो लिप कॉम्बो काफी ट्रेंड चल रहा है तो वो भी। तो दिस टर्न आउट वेरी ब्यूटीफुल कॉफी शेड। और ये ना सच बताओ तो इससे भी अच्छा है ये, इसके मतलब चलो ठीक है ये अभी प्राइस में हमें 199 का दो मिल गया यानी 100 रुपीज का एक, ये भी कुछ 110 या समथिंग कुछ का मुझे पड़ा है। तो एक्चुअली ये ना ये ऐसा लगता है कि हमने कुछ लगाया ही नहीं, ऐसा लगता है अपना ही लिप्स है ये। तो ये काफी अच्छा लगता है मुझे और इससे बचपन जुड़ा है, मेरी दीदी लेके आती थी, मेरी बहन, उसका फेवरेट इनसाइड का कॉस्मेटिक होता था पहले के टाइम पे, अभी तो शी बिलीव इन लैक्मी और मेबेलिन समथिंग। काफी क्यूट शेड दिया है, अभी तो नहीं बट यू कैन सी हियर, ये काफी प्यारा शेड है। दोनों शेड काफी अच्छे है बट आई लव दिस शेड, मतलब डेली के लिए। सो इट्स अ गुड परचेस, इसको भी मैं दूंगी 10 में से 10। अच्छा ये मैंने जब देखा मैंने बोला ओ माय गॉड, क्योंकि मेरे को टी शर्ट्स काफी टाइम से चाहिए थे तो मैंने बोला ओके कुछ तो अच्छा आया। मैं कब से प्रे कर रही थी कुछ कपड़े आए तो हियर इट इज। मिंत्रा में मैक्स का कपड़ा मिलता है तो मैंने सोचा कि चलो। तो दिस इज द टी शर्ट गाइस एंड
इसकी प्राइस इधर 399 बोल रहे हैं बट 299 में ही मुझे मिला है, बट शिपिंग चार्ज हुआ है ऑफकोर्स, तो देना पड़ेगा. तो दिस इज द टी शर्ट गाइज, ये काफी अच्छी टी शर्ट है और इसकी क्वालिटी तो अच्छी है ही, बट इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा आ गया है, बट ठीक है घर में पहनने के लिए इट्स फाइन. और इसका जो प्रिंट है ना, ये वाला प्रिंट मैंने मतलब तीन टी शर्ट लिया है, दो टी शर्ट में अलग प्रिंट है, ये वाला ऐसा है कि मे बी ये निकल जाएगा शायद, आई एम नॉट लाइक अभी तक तो मैंने इसको पहना नहीं है, बट मे बी ये निकल जाएगा, बट आई लव दिस, आई लव ब्लैक कलर, मतलब टी शर्ट में नॉट इन माई फेवरेट कलर, बट येस आई लव दिस टी शर्ट एंड इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, काफी लाइक क्यूट लाइक ऐसा कंफर्टेबल है, तो आई लव दिस. ये भी 10 में से 9 दूंगी, लाइक इट्स अ गुड परचेस. सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट एड, तो ये मुझे आया और लिटरली आई वॉन्टेड, मेरे को कितने टाइम से चाहिए था, ताकि मेरे को कोई नंबर नहीं है, नहीं गाइज टच वुड मेरे को नंबर ना आए, बट मुझे चाहिए था जब मैं लैपटॉप यूज करूँ, जब मैं फोन यूज करूँ तो मेरी आईज प्रोटेक्शन ग्लास आता है वो. सो आई गॉट दिस शेड, सो ये रहा, मैंने यहां से परचेस किया है एंड आई लव दिस. This is also a good purchase, you can see. So मुझे ये काफी अच्छा लगा शेड, और इसको कैट आई बोलते हैं, कैट आई शेड, लाइक दिस इज अ कैट आई, और जहां तक मुझे पता है मेरे फेस पे कैट आई अच्छा लगता है. कॉमेंट डाउन कि सच में अच्छा लग रहा है कि नहीं, बिकॉज कि मुझे तो ये कैट आई अच्छा लग रहा है, मतलब कि मैं ऐसा तुक्का मारी कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग कैट आई, बिकॉज कि एवरीथिंग इज ड्रिंक लाइक डायमंड वाला समथिंग, मुझे नहीं पसंद आया वो, तो मुझे कैट आई करना था, बट आई लव इट, यू कैन सी. और कॉमेंट करके बताओ कि अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझ पर, मुझे तो ठीक है, नॉट अ गुड परचेज, नॉट अ बैड परचेज, बट ठीक है करती हूँ, और ये सब मुझे एड्स आते हैं तो मुझे ऐसा मन करता है कि ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये ले लूँ. तो इसका अगर पार्ट टू देखना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड वाले बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब जब मैं वीडियोज अपलोड करूँ. और पार्ट टू देखना है तो कॉमेंट कर दो कि हाँ दीदी पार्ट टू देखना है, और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज आ रहे हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बी सेफ और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बाय.